हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। और आज हम फिर से आ चुके अपने इंटरनेट कैफे की दुनिया में। तो लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने अपनी वाइफ को ढूंढा था जो कि मिली थी हमें रैबिट कलम में। वहां पे भाई काम वगैरह कर रही थी, काम वगैरह क्या भाई, वहां पे डांस वगैरह ठुमके वगैरह लगा रही थी जो कि हमको बहुत ही गंदा लग रहा था, क्योंकि यार हमने इस सिटी के एक अच्छे इंसान है, इतने पैसे वाले है, और वो भाई क्लब में डांस वगैरह करती है जो कि यार हमें बेकार लग रहा था। जो ये अपना हॉट डॉग कार्ट का है, इसके भाई दुकान पे खड़ा हूँ, यहाँ पे इसके छज्जे पे खड़ा हो चुका हूँ मैं, नीचे मैं यहाँ से कुछ खा पी भी सकता हूँ। ओके, तो अब नीचे उतर के देखता हूँ। वैसे भाई यहाँ पे बंदे सुबह सुबह के अबे सुबह क्या, दिन दोपहर भाई कुछ नहीं देखते यहाँ पे, बस जिम करते रहते हैं। फटाफट से चलते हैं अपने कैफे। लेकिन आज हम दोबारा से चलने वाले हैं रैबिट क्लब में, क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार हमने अपने रैबिट क्लब में बैट लगाई थी, जिसमें हमने $1,000 की बैट लगाई थी और हम $2,000 जीत चुके थे, जो कि यार हमें तो भाई पता नहीं था हम कैसे जीत चुके, पर हमारा तुक्का भाई सेट हो चुका था। खैर छोड़ो, एक बारी मैं अपना कंप्यूटर ऑन कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ से अपना कंप्यूटर ऑन कर देते हैं। और आज ना मैं थोड़ी बहुत माइनिंग सेटअप वगैरह भी परचेस करने वाला, क्योंकि हमारे पास थोड़े बहुत माइनिंग सेटअप है। ये कुल 4 या 5 माइनिंग सेटअप है, और इनको कोई दूसरे साइड में भी लगाने वाले। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इनको अपने बाथरूम वगैरह में लगा दिया जाए। वैसे मैंने यहाँ पे 2 अपनी आर्केड मशीन रख रखी है जो कि बहुत ही बुरी लग रही है। बाथरूम में यार कौन भाई सेटअप लगाता है अपना, हम लगाएंगे बाथरूम में सेटअप। खैर छोड़ो, यहाँ से मैं अपना कैफे ओपन कर देता हूँ, या फिर चले पहले रैबिट क्लब में। तो एक बार ना अपनी माइनिंग वगैरह देख लेते हैं, अपनी माइनिंग थोड़ी बहुत बड़ी होगी तो उसको बेच के चलेंगे अपना बिटकॉइन वगैरह। तो यहाँ से बिल एक बार देख लेता हूँ मैं, तो $1,000 का अपना बिल आया हुआ है। तो अभी तो हमारे पास 2,40,000 या फिर 48,000 रुपये है, जो कि यार एक अच्छी खासी हमारे पास पेमेंट है, पैसे एक अच्छा खासा पैसा है हमारे पास। और अपनी एक बार क्रिप्टो में चलकर देखते हैं। तो यहाँ से भाई अपना जो बिटकॉइन है वो आज ना 31 पे चल रहा है, तो इसको मैं थोड़ा बहुत बन गया होगा वैसे साथ। हाँ, तो थोड़ा बहुत बन आधा बिटकॉइन बन चुका है हमारा, तो मैं इसको फटाफट से सेल कर देता हूँ। ओके, तो अब हमारे पास हो चुका है $2,65,000, जो कि यार ठीक है। तो एक बार ना चलते हैं अपने रैबिट क्लब में, वहां से क्या करना होगा हमें। हाँ, तो वहाँ से हम जाएंगे और थोड़ी बैट लगाएंगे, क्योंकि हम ना पिछली बार भाई $1,000 लगाए थे और हमको $2,000 मिल गए थे, जो कि यार बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से ना मैंने भी यहाँ पर भी मैंने अपने ये हॉर्स है इन पे बैट लगाई थी, $100 लगाए थे सब पे, और यहाँ से भी हमें $1,000 शायद से मिले थे। तो एक काम करता हूँ मैं, $100 अपने इन पे लगाते चलते हैं। ओके, तो मैंने 5 के 5 हॉर्स पे $100 लगा दिया, तो टोटल हमारे $500 यहाँ पे लग चुके हैं। और इनसे शायद हमें अगर एक भी हॉर्स जीत जाएगा ना, तो हमको भाई हमको $1,000 तो मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर भी हमको ₹500 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ से चलते हैं फटाफट से। ओके, तो इसको मैंने ₹100 अपनी पेमेंट कर दी है, और यहाँ से ये वाला दरवाजा ओपन कर देते हैं, और हम आ चुके हैं रैबिट क्लब में। और यहाँ पर ना ये बंदा भाई पड़ा रहता है, पता नहीं इसकी क्या ही प्रॉब्लम है। वैसे ये वर्कर वगैरह लग रहा है मुझे, पता नहीं यार क्या है, इसका दिमाग खराब हो चुका है। खैर छोड़ो, हमें तो अपनी बैट वगैरह लगानी है। तो एक बारी मैं ना अपनी वाइफ को देख लेता हूँ, वो शायद से अभी भी यहाँ पे काम कर रही है। वैसे मैंने ना इसका भाई काम वगैरह बंद करा दिया था, पर पता नहीं यार ये अब फिर भी नाच रही है यहाँ पे, पता नहीं इसको क्या ही दिक्कत है। तो खैर छोड़ो यार, ये वाली जो स्लोट मशीन है ना, इसमें भी थोड़ा बहुत अपना पैसा बना के देखते हैं, अगर हमारा लक अच्छा हुआ तो शायद से बन जाएगा। ओके, तो क्या आएगा भाई, अबे 7-7 आ जाओ ट्रिपल भाई। अबे यार थोड़ा सा बच गया भाई, यार 1-7 और आ जाता तो अपना यहाँ पे भी थोड़ा बोनी बट्टा हो जाता। लेकिन वैसे यार इसको भाई क्या प्रॉब्लम है, ये कौन सा डांस करता है। वैसे इसकी छाती पे ना गुलाब का फूल बन रहा है, ये यार कितना बेकार इंसान है। खैर मैं अपना ये वाला जो रूम है इसमें आ चुके हैं हम, और यहाँ पर ये भाई VIP बंदे हैं। लेकिन भाई हम भी किसी VIP से कम नहीं है, तो आज ना अपनी मस्त वाली बैट लगाएंगे। पहले लगाएंगे हम 10,000 नहीं भाई, वो तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। पहले लगाएंगे हम $1,000 की बैट। ओके, स्टार्ट कर दो भाई हमारा गेम। वैसे हमारे पास आ चुके हैं 5 और 3, तो अपना ये वाला ना थोड़ा गेम भाई गलत होने वाला है, तो मैं यहाँ से स्टैंड करने वाला हूँ और डीलर विन। ये वाला अपना लक हो चुका है खराब, तो अगला ट्राई करते हैं। ओके, तो अब ना मैं हीट करने वाला हूँ भाई। अब ना आ चुके हमारे पास दुक्की, तो यहाँ से क्या किया जाए, तो स्टैंड करते हैं। ओके गाइस, तो भाई हम जीत चुके हैं अपने $2,000। तो अगली बैट होने वाली है हमारी $10,000 की,
तो यहाँ से करते हैं अपने $10,000 जो कि सबसे बड़ी वाली बैट होने वाली है। ओके तो इसको करते हैं स्टार्ट। और हमारे पास आ चुके हैं 3 और 10, तो क्या करना चाहिए हमको? तो स्टैंड करते हैं भाई, अब ना हम हारने वाले हैं। मुझे लग रहा है देखो यार, मैं कह रहा था अब हम हारने वाले, लेकिन हम दोबारा भी लगाएंगे भाई, इस बैट को हम दोबारा लगाएंगे, क्या पता इस बार हम जीत जाए। ओके तो अब आ चुका है हमारे पास 5 और 3, तो मैं करने वाला हूँ हिट। और ये आ चुका है क्यू, तो इसको करते हैं हम स्टैंड। लेकिन फिर से हमारी किस्मत ने धोखा दे दिया, तो अब हम नहीं खेलने वाले क्योंकि 2 भाई बैट बहुत हो चुकी है। और यार यहाँ से हम हार चुके हैं $20,000। जब हम $100 की चिंदी भी जमा करते थे अगर उस टाइम पे लगाया जाए तो बहुत बड़ी रकम है $20,000। खैर छोड़ो, यहाँ से हम $20,000 हार के अपना लटकता हुआ मूसा लेकर चल देते हैं। वैसे इस बंदे को किस बात की खुशी है भाई, हम ना $20,000 का अपना नुकसान करके चलते हैं अपने कैफे। तूने करा दिया ना हमारा $20,000 का नुकसान भाई, अपनी क्या करे यार, अपनी किस्मत ही खराब है। खैर यहाँ से भी हम थोड़े बहुत अपने $500 जीत चुके थे। चलो फटाफट से कुछ खा पी लेते हैं। और यार ये होबो और अपना जो बैगर है, अभी फिलहाल के लिए ये दोनों हमको कुछ काम वगैरह नहीं दे रहे हैं। खैर छोड़ो भाई, अपना बीस हजार का नुकसान हो गया हमारा है, बीस हजार का नुकसान। देखे तूने 20,000 रुपये भाई, क्या ही किया जाए। खैर वो नुकसान भी हमारी कमी की वजह से हुआ है, अगर हम रैबिट क्लब ना जाते तो अपना नुकसान ना होता यार। खैर छोड़ो, मैं एक बारी फटाफट से अपना कैफे ओपन कर देता हूँ और यहाँ से अपनी इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर देते हैं। ओके तो अपना कंप्यूटर तो पहले से ही ऑन है, तो अपना कैफे ओपन कर देते हैं, अपने कस्टमर वगैरह आते रहेंगे, तो अपना 20,000 तो यार ऐसे जमा हो जाएगा। तो यहाँ से मैं सबकी प्राइस ना फुल कर देता हूँ क्योंकि इनकी प्राइस कम रहेगी तो अपने $20,000 काफी लेट बनने वाले है। तो यहाँ से अपनी इनकी प्राइस मैं फुल कर देता हूँ सबकी, जितने भी हमारे पास सेटअप है सबकी मैं प्राइस कर देता हूँ फुल। तो अपना एक कस्टमर भी आ चुका है और इसको अप्रूव करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास ऑटो अप्रूव का ऑप्शन है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले इनकी प्राइस अभी थोड़े बहुत कंप्यूटर ऑन रह चुके हैं, इसकी भी करो। ओके इसकी, और ये लास्ट रह चुका है इसकी भी। चलो हमने सबकी प्राइस जो है इसको फुल कर दिया और यहाँ से मैं इसको ऑटो अप्रूव कर देता हूँ। और यहाँ से एक बार हम दोबारा से चलते अपने क्रिप्टो में और देखते हैं अपना बिटकॉइन और जितना भी है उसको सेल कर देते हैं। वैसे कुछ नहीं बना था लेकिन भाई हमको सेल करने की आदत सी पड़ गई है। और अपना हम अपनी माइनिंग वगैरह देखते हैं अगर वो हमको मिल जाए। लेकिन भाई अपना क्लीनर किधर है भाई? शायद से हमने उसको पिछली बार कर दिया था फायर, तो अब हम उसको दोबारा से कर लेते हैं हायर, क्योंकि यार वो ना अटकता रहता है, पता नहीं कहीं पे भी अटक जाता है। तो हम इसको हायर कर लेते हैं आज फिर से। और ये आ चुका भाई अपने काम धंधे पे लग चुका है, देखते हैं किधर है। एक बार इससे पेमेंट ले लेता हूँ मैं। ओके लाओ तुम भी दो। और हाँ ये बंदा कह रहा हूँ मैं, ये अपना जो एम्प्लॉय है अपना क्लीनर है वो लग चुका है अपने काम पे। वैसे किधर गया? हाँ तो ये रहा, सफाई वफाई कर रहा है यहाँ पे। खैर छोड़ो, यहाँ से मैं एक बारी ना अपनी माइनिंग वगैरह पे चलता हूँ और वहाँ से कुछ 2-4 माइनर परचेस करके लाते हैं। वैसे अपने बैग में स्पेस है ना? हाँ तो अपने बैग में भी स्पेस है। और अपनी मैं गन निकाल लेता हूँ भाई, ये वाली गन ना यार मुझे बड़ी मस्त लगती है, इससे ऐसे ऐसे बंदे उड़ाते चलेंगे हम। अबे तू कैसे नहीं मरा भी है? तू कैसे भाई, ये क्यों नहीं मर रहा? शायद से छपरी है ना तो इसलिए नहीं मर रहा। खैर छोड़ो, यहाँ से मैं अपनी माइनिंग वगैरह ले लेता हूँ। और ये एक माइनिंग रिग है, इसको परचेस करो। और अपने इसमें शायद से 3-4 ग्राफिक कार्ड तो लगे जाएंगे, तो मैं सारे के सारे ग्राफिक कार्ड यहाँ से परचेस कर लेता हूँ। वैसे हम एक बारी में कितने ग्राफिक कार्ड, हाँ 5 ग्राफिक कार्ड परचेस कर सकते हैं और 3 माइनर परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना थोड़ा स्पेस ज़्यादा करना चाहिए इन लोगों को। वैसे हमारे बैग में ना मुझे लग रहा है स्पेस थोड़ा कम होने वाला है, तो अपनी एक ट्रिक है ना, इसको यहाँ पे फेंक के रखो और यहाँ पे जितने भी ग्राफिक कार्ड है मैं इसमें लगा देता हूँ और उसके बाद हम इसको उठा लेंगे। उससे हमारे थोड़ा स्पेस भी खत्म हो जाएगा और अपनी एक माइनिंग रिग है उसको हम रख लेंगे दोबारा से। और ये वाला भी मैं इसमें लगा देता हूँ। ओके और ये वाला लास्ट रह चुका है, इसको भी लगाते हैं इसमें। और अपनी देखो अब अपना कितना स्पेस बच चुका है, अपना सारे के सारे स्पेस बच चुके हैं। लेकिन हम इसको बैग में रख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं यहाँ से अपने जितने भी माइनर है इनको पहले परचेस कर लेता हूँ, इनको बैग में रखते हैं। उसके बाद अपनी जो माइनिंग रिग है इसको हम हाथ में लेके चलने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली भाई, सारा का सारा आइटम एक बारी में ले जाएंगे हम। ओके तो अब इसको हम हाथ में लेके चलते हैं फटाफट से अपने कैफे। ओके गाइस तो हम आ चुके हैं अपने कैफे और हमारा जो बाउंसर है वो अपने कस्टमरों की बेमतलब की पिटाई कर रहा है क्योंकि हम इनसे पेमेंट वगैरह नहीं ले रहे हैं, तो इनकी पिटाई तो भाई होनी है।
ओके, तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। वैसे ना यहाँ पर स्पेस खत्म हो चुका है, यहाँ पर स्पेस खत्म हो चुका है, तो हम ये माइनिंग ना थोड़ी इधर की साइड में लगा देंगे। ओके, तो ये मैंने फिलहाल के लिए यहाँ पे लगा दिया और मैं कर देता हूँ इसको स्टार्ट। अभी इसमें कोड वगैरह डालना होगा हमें, लेकिन उससे पहले इस वाली माइनिंग पे करो क्लिक, और अब इस वाली पे करो तो ऑटोमेटिक कोड यहाँ पे फिल हो जाएगा। ओके, तो चलो मैंने यहाँ पे अपनी जो माइनिंग है वो लगा दी है। वैसे यार मुझे लग रहा है ना यहाँ पर जो अपने कस्टमर वगैरह वो दिक्कत कर देंगे, तो हम ना ये माइनिंग लगाने वाले हैं। वैसे ये चल रहे, हाँ तो ये चल रहा है, सारे के सारे सेटअप रेडी है। और यार मैंने पिछली बार ना यहाँ पे दो दो अपने डुअल मॉनिटर सेटअप लगाए थे, लेकिन यार वो मॉनिटर, एक मॉनिटर चल नहीं रहा था, तो उसकी वजह से मुझे वो वाला मॉनिटर यहाँ से हटाना पड़ा, और वो सारे के सारे हमारे बैग में रखे हुए चार के चार मॉनिटर। तो खैर छोड़ो, फिलहाल के लिए मैं अपनी माइनिंग वगैरह के लिए स्पेस देख लेता हूँ। वैसे कि ऊपर की साइड में तो यार मुझे लग रहा है ना लग नहीं पाएगी, तो यहाँ पर लग जाएगी ना, अपनी एक एक माइनिंग यहाँ पर लगा देंगे। इधर की साइड में थोड़ा स्पेस, यार हमें थोड़ा स्पेस तो बनाना पड़ेगा उनके लिए। मैं नीचे की साइड में भी देख लेता हूँ, अगर हम यहाँ पर लगा दे अपनी माइनिंग वगैरह, ऐसे अपने कस्टमर ना दिक्कत कर देंगे, बहुत ही दिक्कत कर देंगे, ये सारी की सारी उलट पुलट कर देंगे। एक बारी ना मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ, ये ना थोड़ी इस साइड में लग जाए तो काफी अच्छा रहेगा। ओके गाइस, तो मैंने अपनी दो माइनिंग रिग लगा दी इधर की साइड में, और तीन लगा दिए मैंने इधर की साइड में, और फिलहाल के लिए मैंने अपना कैफे बंद कर दिया, क्योंकि भाई अपने जो कस्टमर थे वो बड़ी दिक्कत कर रहे थे, हमको ये सारा अपना सामान लगाने नहीं दे रहे थे। तो एक काम करते हैं, जल्दी से चलते हैं अपने घर की साइड, और वहाँ पे थोड़ा सो के आ जाते हैं, और दोबारा से एक हम माइनिंग और परचेस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले कुछ खा पी लेता हूँ इसकी दुकान से। ओके, तो अब हमारी हेल्थ हो चुकी है पूरी फुल, और यहाँ से चलते हैं फटाफट से। वैसे अपना जो बच्चा है वो भी ऊपर की साइड में जा चुका है। ओके, तो इसको कर देता हूँ मैं लिफ्ट के दरवाजे बंद, और यहाँ से चलते हैं फटाफट से अपने घर। ओके गाइस, तो मैं आ चुका हूँ अपने घर, और देखो ये अपने बीवी और बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं। लेकिन यार मैं इसकी जॉब बंद कराने वाला हूँ, लेकिन यार ये कर नहीं रही। मेक चाइल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करे तो अभी इसका मूड खराब है, और स्टॉप हमने इसकी जॉब करा दी है, अब इसका काम वगैरह पे जाना हमने बंद कर दिया है। तो जितना भी इसके पास पैसा है इसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, और अपना जो बच्चा है एक बारी में इससे भी बात करके देखता हूँ, इसकी जॉब भी हम बंद करा देते हैं। भाई बड़ा दिमाग खराब करता है, भीख मांगने बैठ जाता है, तो इसके भी हमने जॉब बंद करा दी है, और यहाँ से जितना भी अपना पैसा वगैरह है उसको कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो अब फटाफट से आज सो जाते हैं, क्योंकि यार हम भी काफी थक चुके हैं। ओके गाइस, तो एक और हो चुकी है बड़ी ही मजेदार वाली सुबह, और अपनी बेबी बच्चे भाई इनका तो हमने काम बंद करा दिया है, तो अब ये अपना घर पे मजे से रहेंगे, और खाना वाना बनाकर अब तू बाहर काम पे जाने की दिक्कत छोड़। तो एक बार ना मैं इनका फ्रिज वगैरह पे खाना वाना देख लेता हूँ, इसको कर देते हैं फुल। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं नीचे की साइड में, और निकालते हैं यहाँ से अपनी ये वाली गन। अबे किसी बंदे को नहीं मार सकते हम, यहाँ यहाँ पे बैठे इनको मार के देखते हैं। अबे यार किसी को नहीं मार सकते फिलहाल के लिए, पता नहीं ये थोड़ी चार्ज वगैरह होती है क्या ही दिक्कत इसमें। इसको मैं मार के, ये तो मर गई, इसको मार के देखू, ये भी नहीं मर रही, इसको मार के देखू, ये पिछले वाले मर गई, ये खड़ा है बेचारा, इसको मार के देखू छपरी को, ये मर जाएगा क्या, ये भी नहीं मर रहा। वैसे कौन मरा वे? अच्छा तो शायद से हमारे बाउंसर वगैरह ने किसी को लपेट दिया है, ये मर गया। देखो अभी फिलहाल के लिए मैं रख लेता हूँ इसको अपने बैग में, और यहाँ से करते अपना कैफे ओपन। और देखो यार ये अपना जो क्लीनर है ये काम वगैरह क्यों नहीं कर रहा, ये कहीं पे भी अटका पड़ा रहता है, और फिर हमें दिक्कत हो जाती है, इसको सारा सेटअप हटाना पड़ता है। तो एक काम करता हूँ मैं इसको फायर कर देता हूँ। तो चलते हैं फटाफट से एम्प्लॉय में, और यहाँ से कहाँ गया हमारा क्लीनर, इसको ना फायर कर देता हूँ मैं दोबारा से, इसको हम हायर कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं इसको फायर ही रहने देता हूँ, क्योंकि यार ये कहीं पर भी अटक जाता है, और उसकी वजह से हमें अपना सारा का सारा सेटअप हटाना पड़ता है। देखो यहाँ पर अटका पड़ा है, अगर मैं चेयर भी हटा दूंगा ना तो ये नहीं हटेगा, ये वाली चेयर भी हटा दूंगा ये तब भी नहीं हटेगा, हमें ना टेबल ही हटानी पड़ेगी पूरी की पूरी, जो मैं हटाने वाला नहीं हूँ। अपना थोड़ी बहुत साफ सफाई हम खुद ही कर लेंगे। किधर गया हमारा मोप वगैरह, तो भाई पता नहीं किधर पे बाथरूम में पड़ा है, तो इसको यहाँ से उठाओ, और देखो यहाँ पे टट्टी का रख क्या भाई। अबे यार कितने गंदे कस्टमर है भाई, इसको मैं यहाँ से क्लीन कर देता हूँ, इतना काम तो हम यार खुद ही कर लेंगे, इसकी क्या ही जरूरत। वैसे यार इसकी ज़रूरत है भाई, अब ना अपने कैफ़े में बहुत ही गंदगी फैली रहती है, तो थोड़ा बहुत हम थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो उससे क्या चला जाएगा हमारा। वैसे पहले भी तो हम थोड़ा झाड़ू पोछा कर लेते थे, बड़े ही हम थोड़े बहुत अमीर बन चुके हो, लेकिन अपनी गरीबी नहीं भूलनी चाहिए भाई। खैर छोड़ो,
फटाफट से मैं यहाँ पे जितनी भी गंदगी है थोड़ी बहुत इसको क्लीन कर देता हूँ, और जब ये दोबारा से हम इसको हायर कर लेंगे तो अपना ये क्लीन वगैरह करता रहेगा। छोटा सा है वैसे, कहीं पे भी अटक जाता है। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत गंदगी साफ कर दिया, उसको रखते हैं अपने बैग में। और एक बारी दोबारा से चलते हैं माइनिंग वाली शॉप पे और वहाँ से एक दो माइनिंग वगैरह और परचेस कर लेते हैं। वैसे हमारे पास कितनी माइनिंग हो चुकी है, 6 या फिर 7 माइनिंग हो चुकी है, तो इसको करते हैं परचेस। ओके, तो अपने जितने भी ग्राफिक कार्ड है मैं पहले इसमें लगा लेता हूँ। ओके, इसको लगाया हमने, इसको लगाया और इसको उठा के, इसको लगाया और इसको भी उठा के लगा लेता हूँ। ओके, और ये लास्ट रह चुका है, इसको भी फटाफट से उठा के इसमें फिट कर देते हैं। ओके गाइस, तो मैंने अपने माइनर भाई इधर की साइड में लगा दिया, और ये कम से कम 10-12 माइनर तो हो ही चुके हैं, तो उससे ना हमारी थोड़ा बिटकॉइन भी बनता रहेगा। तो मैंने इन सबको स्टार्ट कर दिया है, और इधर की साइड में हो चुकी है अपनी माइनिंग रिग, 3 इधर की साइड में है और 3 इधर की साइड में है, जो कि यार बड़ी ही मस्त लग रही है। तो अपना माइनिंग सेटअप भी थोड़ा बहुत अपग्रेड हो चुका है, इससे हम अच्छा खासा अपना बिटकॉइन बना सकते हैं। और एक बार ना दोबारा से अपना बिटकॉइन चेक कर लेते हैं, यहाँ से चलते हैं फटाफट से अपने क्रिप्टो में। ओके, और यहाँ से अपना बिटकॉइन फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत ही बन चुका है, और बिटकॉइन है वो अभी -3 पे चल रहा है। तो हमने थोड़े बहुत, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना थोड़े बहुत अपने पैसे लगाए जाए क्रिप्टो में भी। तो यहाँ से देखते हैं किस चीज़ में लगाए जाए। तो अपना LTC में लगा देता हूँ, क्योंकि ये अभी फिलहाल के लिए -8 पे है, तो इसमें ना 1000 लगाऊँ या फिर कितने लगाऊँ। तो पहले ना मैं 1000 देख लेता हूँ, 1000 कितने के पड़ते हैं। ओके, तो 1000 पड़ते हैं भाई 82,000 रुपये के। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं इनको परचेस कर लेता हूँ। और फिलहाल के लिए अभी भी हमारे पास 1,63,000 रुपये रह चुके हैं, तो इनसे भी हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन जाएगा। तो फटाफट से ना एक बारी ना हम इस क्रैक वाली एप्लीकेशन पे चलते हैं, क्योंकि यार इसमें ना हम अपने जो गेम वगैरह है उनको क्रैक कर सकते हैं। और ये जॉइन सर्वर, तो हाँ इसका मुझे पता है इसमें हमें क्या करना है। तो यहाँ से पहले इसको थोड़ा मैं ऊपर की साइड में कर देता हूँ, और यहाँ से ना ये वाली जो एप्लीकेशन है इसको ओपन कर देते हैं। और ये वाला जो कोड है, ये वाला जो IP है, न्यू IP हमें इसमें डालनी है। ओके गाइस, तो मैंने ये वाली IP अपने इस वाले एप्लीकेशन में डाल दिया, और यहाँ से कर देता हूँ मैं एंटर। ओके, तो कमांड कन्फर्म। ओके, तो हमने जो IP डाली है वो हो चुकी है कन्फर्म, और यहाँ से इसको मैं करता हूँ फुल। अबे किधर गया कमांड कंफर्म, प्लीज वेट। लेकिन भाई हमें दोबारा से अपनी ID डालनी होगी, क्योंकि यार मैंने एंटर तो कर दिया था लेकिन उसको भाई कट कर दिया था, जो वो दोबारा से वो पेज ओपन हुआ था उसको कट कर दिया था। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं यहाँ से अपनी IP दोबारा से डाल देता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने बड़ी ही मेहनतों के बाद ये वाला पेज ओपन कर लिया है, और यहाँ से ना ये 3 गेम है गेम, हाँ ये वाली गेम है 1, 2, 3। ये टॉस ए कॉइन सिम्युलेटर है, और ये वाली फैट स्मोक है, और ये डैड ओ बॉय। वैसे जितनी भी ये गेम है ना मैं इनको सारी की सारी परचेस कर लेता हूँ। वैसे परचेस तो नहीं करनी भाई, हमें इनको क्रैक्ड करनी है। तो यहाँ से ये वाली क्रैक्ड कैसे होगी, ID ये ऑर्डर दे सकता हूँ क्या मैं इनका। तो चले यार, हमने अपनी एक गेम का ऑर्डर दे दिया है, वो पता नहीं यार क्रैक हो पाएगी या फिर नहीं। वैसे मुझे नहीं लग रहा है वो क्रैक हो पाएगी, क्योंकि यार हमने इतनी मेहनत कर ली, अभी तक तो उसका कोई ऑप्शन नहीं आया, उसका कोई भाई पता नहीं चल रहा है हमें वो क्रैक हो पाएगी। वैसे मैंने उसका ऑर्डर दे दिया है, लेकिन हम उसको देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। अगर क्रैक हो जाएगी तो ठीक है, नहीं होगी तो तब भी ठीक है, तभी हमारा कौन सा कुछ जा रहा है। खैर छोड़ो, यहाँ से फटाफट से चलते हैं। एक बार ना अपना कैफे ओपन कर देता हूँ, थोड़े बहुत अपने कस्टमर वगैरह आ जाएंगे, अपना गेमिंग वगैरह कर लेंगे वो यहाँ पे, और हमारी भी थोड़ी इनकम वगैरह हो जाएगी। तो फटाफट से चलते अपने घर की ओर। और यहाँ पे तू क्या लेने आ रहा है, तुझको बुलाया हमने? तो यहाँ से मैं अपना शटर बंद कर देता हूँ, और जल्दी से चलते अपने घर पे, देखते अपनी वाइफ जो है वो काम पे गई हुई है या फिर घर पे है। वैसे हमने उसकी जॉब बंद करा दी थी, और यहाँ से मैं कुछ खा लेता हूँ, लेकिन उससे पहले अपने सेल्समैन के पास चलते है, यहाँ पर देखते है भाई ये कुछ नया सामान लेकर आया है या फिर पुराने ढोल पीट रहा है यहाँ पे। वैसे ना भाई ये ढोल ही पीट रहा है यहाँ पे, इसको देखता रहता है बस बैठा हुआ लाइव। और यहाँ पे ये वाला PC तो खैर पुराना है, और यहाँ पे भाई ये सारा का सारा आइटम पुराना ही लेकर आया है, और ये पुराना ही लेकर आता रहेगा और कुछ नया नहीं लाएगा। तो यहाँ से ना मैं एक बैग परचेस कर लेता हूँ। वैसे ये क्या है भाई, गेमिंग कंसोल है, खैर उसको छोड़ो। और यहाँ से मैंने एक बैग परचेस कर लिया, इसको रखते हैं अपनी इन्वेंट्री में, तो रख नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं अपने कैफे के बाहर ही फेंक दूंगा। और यहाँ से चलते हैं फटाफट से अपने कैफे। ओके, तो मैं आ चुका हूँ दोबारा से अपने कैफे। क्या देख रहा है भाई, निकल जा। और यहाँ पर ये वाला बैग डाल देता हूँ। वैसे ना हम, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना 10-15 बैग परचेस किए जाए, और यहाँ तक टीला लगाया जाए उन बैगों का। वैसे इधर की साइड में क्या है भाई, इधर मैं जा नहीं सकता क्या?
इधर की साइड में पूरा का पूरा खाली है। वैसे अगर ये वाला जो ये सिस्टम हट जाए ना तो हमें काफ़ी सारा स्पेस मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। और यहाँ पे खाली डब्बी रखी हुई है या फिर फुल डब्बी रखी हुई है, और यहाँ पे मैंने अपने जितने भी यहाँ पे पैसा भर रखा था उनको कलेक्ट कर लिया है। तो फटाफट से यार मैं जाने वाला था घर पे, लेकिन हम एक बैग और उठा के ले आए, तो अब दोबारा से चलते अपने घर पे। लेकिन ये शौचालय है क्या यहाँ पे? शौचालय वगैरह खोल रखा है क्या यहाँ पे बंदों वगैरह के नाम का? वैसे अगर यहाँ पे ये एक जिम खोल देना तो ये बंदे ऐसे खुले में जिम नहीं करेंगे। तो खैर छोड़ो, फटाफट से चलते अपने घर पे और वहाँ पे सो लेते हैं थोड़ा, क्योंकि यार हम बहुत थक चुके हैं। अपना इतना सारा काम कर दिया हमने, इतने सारे माइनिंग सेटअप लगा दिया, तो और क्या चाहिए भाई तुम लोगों को। और यहाँ से ये दोनों बैठे हुए यहाँ पे मस्त आराम से, तो मैं थोड़ा हुक्का गुड़गुड़ा लेता हूँ। तो चलो यार आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से जाके लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।